नालागढ़ के किशनपुरा स्थित फ्रेजर फूड इंडिया उद्योग में काम करने वाले 4 दर्जन के करीब मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके चलते मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। नालागढ़ के किशनपुरा स्थित फ्रेजर फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उद्योग में काम करने वाले 4 दर्जन के करीब मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर को भी इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मजदूरों ने कहा कि कंपनी जब तक सभी मजदूरों को वापस नहीं लेती है, तब तक कोई भी मजदूर कंपनी में कार्य नहीं करेगा। फिलहाल कंपनी को बंद कर दिया गया है। तो क्या समस्या आप लोगों की? समस्या सर हमारी यही है कि कंपनियों में हर टाइम तंग करती है, और जो हम मांग डिमांड रखते हैं वो पूरी नहीं करती। हर बार में डिप्रेशन में डालती है कि 40 बंदे हैं जी, उनको डिजेजमेंट लेटर दिया गया। इन्होंने पहले 6 को दिया था, तो उनको कैंसिल कराया हमारे राजकुमार चौधरी जी ने। उसके बाद जी फिर 40 बंदे थे, उनको रिजीमेंट लेटर दिया, तो हमारे तो 30 तारीख तक का 3 महीने का लेटर दिया था उन्होंने, वो ख़त्म हो गया। तो 1 तारीख से इन्होंने बोला कि कंपनी है जो काम की तरह काम नहीं है कंपनी में। तो सर इन्होंने 40 बंदों को ऐसा बोला कि जितने वर्कर हम सारे वर्कर हैं, 150 वर्कर कंपनी में काम कर रहे हैं जी, उनको बोला कि आप 5 दिन आप घर पर बैठो, 5 दिन आपको घर पर बैठो, काम जब 5 दिन बाद काम आ जाएगा, फिर हम आपको कंपनी में रख लेंगे, जो कार्य चल पड़ेगा। इसके बारे में उन्होंने तो हमने शिकायत की थी, हमने लेबर कोर्ट में गए थे जी, हम राजकुमार चौधरी के साथ गए थे हम लेबर कोर्ट में, तो वहाँ पे गया था, तो वो जो हमारा 40 बंदों का रिजीमेंट लेटर था वो तो रद्द कर दिया था उन्होंने। तो उधर जो हमारे कंपनी के जो मालिक है वो नहीं मान रहे, वो रहे मैं 40 बंदे ही निकालूंगा, अगर 40 बंदे नहीं निकले तो मैं जब तक कंपनी चलाऊंगा नहीं, कंपनी ऐसे ही बैठी रहेगी, बाहर बैठे रहेगी। कितने यही इन्होंने 40 बंदों को रिजाइन दिया हुआ, और इन्होंने 40 बंदों के साथ हम भी हैं, और ये जाएंगे तो हम भी उनके साथ ही जाएंगे। मेरे पास इतना ही कहना है। कितने दिन से अपना काम छोड़ रखा है हम लोगों? सर 1 तारीख से। तो अब आपकी मांग क्या रहेगी? हमारी मांग यही है कि हम 40 बंदों के साथ हैं, जब उनको रखेंगे तो हम भी काम करेंगे। सर हमारे जो 40 बंदे हैं, इनको उन्होंने बिना बताए नोटिस दे दिया, काम तो अच्छा चल रहा था कंपनी में, ये बोल रहे हैं कि हम 40 बंदों को बाहर करेंगे। तो हमारी मांग यही है कि हम 40 बंदों को बाहर नहीं जाने देंगे, हम इन्हीं का साथ देंगे, तो हम कंपनी बंद करा देंगे, हमें हमारी मांग यही है। जब जनशक्ति मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने मजदूरों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को जल्द हल करवाया जाएगा। हमारा जो मांग पत्र है माननीय लेबर कोर्ट में समझौता अधिकारी के पास पिछले 3 महीने से अंडर प्रोसीडिंग चल रहा है, उसी दिन से मालिक वर्करों पे धक्काशाही का रवैया अपना रहा है। इससे पहले इन्होंने 7 वर्करों को कंपनी से बाहर किया था, लेकिन उनको हमने दोबारा बहाल करवाया, और अभी कंपनी मैनेजमेंट ने ज़बरदस्त तरीके से इनको एक बगैर किसी नोटिस के अल्टीमेटम दे दिया है कि 40 बंदों को कंपनी से बाहर किया जाए। कम से कम 150 वर्कर यहाँ कार्यरत है, और अभी 30 तारीख को इन्होंने बगैर नोटिस के वर्करों को गेट बंद कर दिया, और इन्होंने ये शर्त रखी कि 40 बंदे कंपनी से बाहर जाएंगे, बाकी बंदे काम करेंगे। तो वर्कर के अंदर एक डर की भावना है कि आज इन्होंने 40 को निकाल दिया, कल को जो 100 बंदा है उसको भी क्या गारंटी है कि उसको कंपनी में रखें या नहीं रखेंगे। इसलिए वर्करों ने इसका रोष प्रकट किया, इन्होंने हमें कंपनी में बुलाया, अपनी समस्या बताई, हमने माननीय लेबर कोर्ट में और प्रशासन के पास इनकी गुहार लगाई है, और ये मामला लेबर कोर्ट में चल रहा है। जब इस पूरे मामले पर उद्योग मालिक से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि कंपनी घाटे में चल रही है, जिसके कारण मजदूरों को कंपनी से निकाला गया है, और निकालने से पहले मजदूरों को नोटिस भी दिया गया था। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।